का बात है भैया, बेर बेर हमारी कुछ माताएं बहने उठाती हैं बैठती हैं, भैया लोग का सुस्ती आ रही। आज हम पहलो दिन है हमाओ, हम जो देख रहे कि तुम का चाह रहे, हम जे सोच रहे कि तुम चाय का रहे। भगवान की कथा चल रही तो भगवान की कथा कही। हाँ भैया, तुम्हारा का नाम जसवीर विमलेश। अच्छा, सुस्ती आ जाती है भगवान की कथा में, सुस्ती आनो नहीं चाहिए। अब बता दे, सुस्ती आते हुए आज हम कथा जो है अंदाज से सुस्ती बाई कह रहे हैं, क्योंकि पहली बार आए तुम्हारे गांव में दीनपुरा में। एक दिना तो हमारे समझन में ही निकल जाते है कि हमारे भैया लोग का चाह रहे, लेकिन ध्यान रखना हम तो जहां भी जाते हैं भगवान की कथा से ही मतलब रखते हैं। आपने इतना पैसा खर्च किया है काय के लिए किया? कथा के लिए, ढोला नौटंकी के लिए नहीं किया। कछु लोग हमारे भैया, आज तो खैर भीड़ ज्यादा ही है, थोड़ी कम है, ज्यादा इतनी नहीं है, क्योंकि लोगों को पहले दूसरे दिन तो जाए भी निकल जाते है। लेकिन भैया लोगन की हमारे एक इच्छा होते हम बताए दिए तुम्हें। कछु लोग तो कथा सुनना वो कहते हैं कि चलो फलाने सिंह के जहाँ भगवान की कथा चल रही है, चलो देख के सुन के आए। कछु लोग जब देख सोच के आते हैं कि चलो कथा चल रही देख आए। शास्त्री जी देखे नए हैं कि पुराने हैं, कैसे है? एक बात बताऊं, सुनो, जब बात आ गई तो परीक्षित महाराज कहें जरूर। आज शास्त्र न पे तो कथा कब आई ना इन? आज हमने माफी मांग ली मैं कथा मालिक साहब पे, के आज आज की माफी दे दो, कल से दो लोग संवाद से कथा सुनाओ करें हैं, क्योंकि आज की कथा जो है संवाद की है नहीं। प्यारे भक्तों और सुनो, तो वहीं अपना ध्यान केंद्रित कीजिए जहां भगवान की पावन कथा चल रही है। इधर द्रौपदी अपने पांचों बेटों की लहस पे फपक फपक के मुंह रख के रो रही है। भगवान श्याम सुंदर को अवगत हुआ कि द्रौपदी के पांच पुत्र मारे गए, भगवान कन्हैया द्रौपदी के पास में आए, और जैसे ही द्रौपदी ने भगवान कन्हैया को आते हुए देखा तो चीख करके कहने लगे, श्याम तुम्हारे होते हुए हमारे पांच पुत्र मारे गए, तुम्हारे होते हुए हमारे पांच बेटा मारे गए, कहां सो रहे थे तुम? और रोकर के जवाब दिया है,
भगवान मुरली मनोहर के आते ही द्रौपदी ने कहा कि तुम्हारे होते हुए हमारे पांच पुत्र मर गए, अब क्या तुम्हारे खेल में और कोई कमी अभी रह गई है? भगवान कन्हैया कहने लगे, द्रौपदी रो नहीं, आज तुम जिस तरीका से पांच पुत्रों के लिए रो रही हो, अगर हमारी कृपा न होती तुम्हारे ऊपर तो आज तुम पांचों पतियों के लिए रो रही होती। जिस तरीका से पांच बच्चों के धड़ पड़े हुए हैं, उसी तरीका से पांचों पतियों के यहां मृत शरीर पड़े होते, और जिस नीच ने ऐसा किया है उस नीच को हम पकड़ के बहुत जल्दी तुम्हारे सामने ला करके उसे खड़ा करके उसे सजा दूंगा। तुम बता देना तो उसे जान से मार दूंगा, तुम कहोगे तो उसे छोड़ दूंगा। भगवान मुरली मनोहर गए जहां अश्वस्थामा बैठा था, अश्वस्थामा को पकड़ा भगवान ने। जब कोई पापी पकड़ा जाए तो कैसे लाया जाता है? पापी पकड़ा जाए तो कैसे लाया जाता है? भगवान ने रथ में नहीं बैठाओ, भगवान ने रथ के पीछे अश्वस्थामा को बांध लो, और बांध करके अश्वस्थामा को घसीटते हुए वहीं लेकर के आए हैं जहां द्रौपदी के पांचों पुत्र मरे हुए पड़े हैं। द्रौपदी रो रही है, वहीं ला करके अश्वस्थामा को खड़ा कर दिया और कहा, द्रौपदी यही है वो हत्यारा जिसने तुम्हारे पांच पुत्रों का कत्ल किया है। जिस समय अश्वस्थामा को देखा द्रौपदी ने, यही है वो नीच जिसने हमारे पांच बच्चों को मारा है। क्रोध में आकर के द्रौपदी ने जाने क्या क्या कह दिया, जाने क्या क्या बोला, लेकिन दिमाग में झटका लगा, ये नीच है, इससे बड़ा पापी और कोई नहीं हो सकता जिसने मासूम बच्चों को मार डाला। भगवान मुरली मनोहर कहने लगे, द्रौपदी अब ज्यादा समय नहीं है, तुम बताओ तो हम इसे मार दें। एकदम से अश्वस्थामा हाथ जोड़ करके द्रौपदी के सामने खड़ा हो गया और कहा, अगर हमें मरवा दोगी तो ये आपका न्याय है, अगर हमें जीवित छोड़ दो तो आपकी दया है। द्रौपदी के दिमाग में झटका लगा, अगर हम इसे मरवा देंगे तो ये गुरु का पुत्र है, गुरु हत्या लग जाएगी, हमारे बेटा पांच मरे सो मरे, अब इसे मत मारो, अब इसे मत मारो, क्यों इस पापी को छोड़ दो, इसने जो भी किया है हमारे साथ अच्छा किया है, लेकिन अब इसे मारो नहीं। भगवान ने द्रौपदी की बात सुन के अश्वस्थामा के मस्तिष्क में जो मड़ थी वो भगवान ने मस्तिष्क को चीर करके मड़ निकाल ली, अपमानित करके और अश्वस्थामा को छोड़ दिया। लेकिन लोगों, नीच को छोड़ो न जाए, भगवान मेरे प्रभु ने बड़ी भूल करी, नरे पापी छोड़ दे। अश्वस्थामा को जब छोड़ दिया, अश्वस्थामा गया, लेकिन नीच अपनी नीचता इसे मानता नहीं है। लोगों, अभी इसने दिमाग लगाया कि हम पांडवों को चैन से नहीं रहने देंगे, हम पांडवों को
सुख की नींद नहीं सोने देंगे। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा जो गर्भवती है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में इसने अश्वस्थामा ने अग्नि बाण मारा है, वो गर्भ जलने लगा। और जब गर्भ जलने लगा तो उत्तरा को बेचैनी हुई, एकदम से उत्तरा ने भगवान को याद किया है, भगवान को याद किया।